खरगोन के डीआरपी लाइन मैदान पर नगरपालिका परिषद द्वारा प्लाग रन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो शहर के डीआरपी लाइन से शुरू होकर टैगोर पार्क पर समापन हुआ। आयोजन की इस कड़ी में सड़क और आसपास का कचरा चुनकर थैली में भरा और वजन करके अधिक कचरा सफाई करने वालों को पुरस्कृत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर शिवराज सिंह ने भी आयोजन में दौड़ लगाई। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में खरगोन जिले को अव्वल दर्जा दिलाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर नगरपालिका अधिकारी प्रियंका पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते सहित कर्मचारी, पुलिस और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खरगोन ब्यूरो से अनिल पांडे की रिपोर्ट। आज प्लाग रन का आयोजन किया गया 2023 स्वच्छता अभियान सिर पर है। खरगोन की क्या स्थिति होगी, इसको बेहतर बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आज प्लाग रन जो हमने जो आयोजित किया है, उसमें स्वच्छता का संदेश बच्चों ने दिया है और उस संदेश के आधार पर अपन ये सोचते हैं कि ये पूरा खरगोन शहर जो स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ भी रहेंगे और स्वच्छ होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा यही उद्देश्य है कि हम स्वच्छता के लिए क्या कैसे कैसे कार्यक्रम कर सकते हैं, और हम अभी करते भी आ रहे हैं। पिछली बार भी ये कार्यक्रम हुआ था, बच्चों ने ये किया था, इस बार भी किया है। और बच्चों को मैं धन्यवाद दूंगी स्वच्छता के लिए कि वो छोटे बच्चे हमको बड़ों को सिखा रहे हैं, तो शहर गली मोहल्ला सभी स्वच्छ होना चाहिए। उनको धन्यवाद देती हूँ। खरगोन की नगर की टीम को भी, हमारे नगर पालिका की टीम को भी सबको धन्यवाद दूंगी। और शहर के जो गणमान्य व्यक्ति अभी अपने सामने महिलाएं भी कुछ है, स्वच्छता में आइए और बच्चों को भी मैं धन्यवाद दूंगी। जिला कलेक्टर महोदय का एक सलाह है उनकी कि खरगोन शहर के मोहल्लों और जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं उनको भी इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाए, जिससे स्वच्छता को लेके एक तरह से कंपटीशन बढ़ेगा और शहर को उसका लाभ मिलेगा। क्या है, स्वच्छता का ये कार्यक्रम हम शहर के लिए ही करते हैं, लेकिन बड़े लोगों को भी आना चाहिए इसमें। अब ऐसी आगे हमारी ये रहेगी कि उनको हम बुलाएं और उनके साथ ढेर पे बैठा हुआ था, लेकिन स्वच्छता को लेकर एक अलग जगाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और आज काफ़ी हद तक सुधार की ओर है। खरगोन जिले के आज जिलाधीश होने के नाते इस बार जो स्वच्छता अभियान है, इसमें खरगोन जिले की स्थिति कहां तक बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए? इसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वच्छता की अलग जगाई पूरे देश में, उसकी वजह से सभी शहरों में स्वच्छता वगैरह का बड़ा कंपटीशन हो गया है। हमारे प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार पूरे प्रदेश के जिलों को प्रतियोगिता में लाने का लाकर खड़ा कर दिया है। उसकी वजह से हर शहर में, छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्वच्छता को लेकर काफ़ी जागरूकता तेजी से फैल रही है और स्वच्छता की उसको लेकर अनेक नए प्रयोग हो रहे हैं। आज खरगोन नगर पालिका द्वारा भी एक प्लॉग रन का आयोजन किया गया। मैं मानता हूँ कि स्वच्छता लोगों के लिए बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि हम जब स्वच्छता का वातावरण निर्मित करते हैं तो बहुत सी बीमारियों से हम लोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। स्वच्छता हमारे जिंदगी का अभिन्न अंग बने, इसलिए लोगों को अपने इसको दिनचर्या में लाने की आवश्यकता है। हम लोग जब स्वयं गंदगी नहीं करेंगे तो हमारा शहर अपने आप में ही स्वच्छ हो जाएगा। ये भावना हमको और सभी नागरिकों को लाने की आवश्यकता है कि हम अपने घर को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें। ऐसे सभी समाजसेवी संगठनों को, लोगों को जागरूकता के लिए आगे आना होगा और वो स्वयं उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार खरगोन जिले में सभी नगरीय निकाय स्वच्छता को लेकर बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके जो बाहर से टीम आएंगी, इसकी जांच पड़ताल होगी। सभी नगर पालिका के CMO और उनके जनप्रतिनिधिगण इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी टीम को बधाई देता हूं और आगे इस तरह की प्रतियोगिताएँ लगातार चलती रहें। हमारा जो ऐसे वर्ग जो इसमें बहुत अपना योगदान देते हैं, उनको सम्मानित भी करें, उनको आगे भी बढ़ाएं। मैंने अपील भी की है कि हमारे शहर में सबसे अच्छा कोई बाज़ार हो, स्वच्छ बाज़ार, स्वच्छ मोहल्ला, स्वच्छ कोई ऐसी जगह, इन लोगों को हम सम्मानित करें ताकि आगे से हम लोग इसमें
बाज़ारों में और दूसरी चीज़ों में भी हम कंपटीशन करा दें, ये हम लोग इसमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।